खबर सीहोर से है, जहां वन सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग लाड़कुई सम्मान द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। वन माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। वही जानकारी देते हुए वन विभाग लाड़कुई के नगावत रेंजर सौरी जॉन जाधव ने बताया कि हमारे द्वारा बीते 10 दिवस में निरंतर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें वन परिक्षेत्र लाड़कुई के भिलई क्षेत्र से 2 मोटरसाइकिल सहित 8 नक्सागौन किसिलिया व पिलपलानी क्षेत्र से 4 मोटरसाइकिल तथा 16 नंग सागौन की सिल्लियां एवं मांगरोल क्षेत्र से 23 नंग सागौन की सिल्लियां जब्त करते हुए कार्रवाई की गई है, जिसमें जब्त की गई लकड़ियों एवं वाहन सहित 3 लाख से भी अधिक का माल बताया जा रहा है। क्या है सर पूरा मामला, किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है? जी, वन सुरक्षा को लेकर लगातार हमारे द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार गश्ती भी की जा रही है और गश्ती करने में हमें सफलता भी प्राप्त हुई है। हमारे द्वारा बीते 10 दिवस में कुछ कार्रवाई की गई है, जिसमें हमारे पास भिलाई क्षेत्र से 2 मोटरसाइकिलें जिसमें 8 नग सागौन प्राप्त हुई और जिसमें पिपलानी क्षेत्र से हमने 4 मोटरसाइकिलें जब्त की है और हमें 16 नग सागौन की सिल्ली प्राप्त हुई है और मांगरोल क्षेत्र में हमें 23 नग सागौन सिल्ली प्राप्त हुई है जब्ती में, तो जिसमें जब्त की गई लकड़ी का मूल्य करीब 1.5 लाख के आसपास है और जब्त किए गए वाहनों का मूल्य 70,000 रुपये के आसपास है। कुल जब्त की गई लकड़ी और वाहन का मूल्य करीब 2,20,000।